अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें हमें जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है वो है टेन थीटा प्लस सी थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सी थीटा प्लस वन है और इसकी राइट हैंड साइड है टेन थीटा प्लस सी थीटा, इसके इक्वल हमने इसे प्रूव करना है। अब क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों में से कोई एक लेकर सॉल्व कर सकते होते हैं, लेकिन जो हमें मोर टिपिकल साइड लगती होती है वो हम अक्सर बेहतर ले लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड मोर टिपिकल लग रही थी, इसलिए हमने इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमारे पास ये टेन थीटा प्लस सिक थीटा एज इट इज ही आ गए, एज इट इज ही आ गए, जो माइनस ये वन है इसकी जगह पे मैं कुछ पुट करूंगा। कैसे जी? हमें पता है कि वन प्लस टेन स्क्वेयर ऑफ थीटा जो होता है ये होता है सिक्स स्क्वेयर थीटा, ठीक स्क्वेयर थीटा। ये वन जो है ये इसी साइड पे रहेगा और टेन स्क्वेयर थीटा दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से वन है, वन आ गया है, टू हो गए सिक्स स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, इसलिए ये जो वन है इस वन की जगह पे हम लिख सकते हैं कि सिक्स स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर ऑफ थीटा और ये टेन थीटा माइनस सिक थीटा प्लस वन जो है डिनोमिनेटर में एज इट इज भी आ गए। अब ये सिक्स स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा है, इसे मैं ये फॉर्मूले की शक्ल में आ गया, इसे मैं ओपन करूंगा किस फॉर्मूले की मदद से? देखें जो हमारे पास ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है इसी फॉर्म में है ना, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। यही फॉर्मूला यूज करते हुए इसे मैं सॉल्व करूंगा। ये टेन थीटा प्लस सिक थीटा तो एज इट इज ही आ गए और ये हमारे पास सिक्स स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा है, इसे पे यही फॉर्मूला यूज करूंगा कि ये सिक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सिक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएंगे और ये टेन डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस सिक थीटा प्लस वन एज इट इज आ गए। अच्छा बेटा आप यहां से देखें सिक थीटा प्लस टेन थीटा इधर भी है, सिक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों साइड पे सिक थीटा प्लस टेन थीटा है, इसलिए से हम कॉमन ले लेंगे। यहां से टेन थीटा प्लस सिक थीटा जो है ये हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे बाकी ये क्या बच गया, ये तो बाहर कॉमन आ गया, इसकी जगह पे वन आ जाएगा, ये माइनस एडिटिव आ गया, sec थीटा प्लस tan थीटा से कॉमन आया हुआ है तो बाकी क्या यहां से बच गया, sec थीटा माइनस tan थीटा बच गया और ये डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन एज इट इज ही आ गए। अच्छा बेटा अब इसे मजीद ओपन करते हैं तो ये tan थीटा प्लस सिक थीटा एज इट इज आ गए और यहां से ये वन एज इट इज, ये माइनस जो है इसके ब्रैकेट के अंदर जब पुट होगा ये माइनस के प्लस का सिक माइनस का हो जाएगा और माइनस का टेन थीटा प्लस का हो जाएगा।
इसे मैं इसी तरतीब में लिखता हूं, ये वन इधर लिख दिया, ये माइनस का सिक्स थीटा इधर लिख दिया और ये प्लस टेन थीटा इस साइड में आ गया। इसे इस तरीके से मैंने तरतीब दे दी है। अब देखें ये और ये बिल्कुल सेम हो गए हैं, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, ये टेन थीटा प्लस सिक्स थीटा रिमेनिंग जो है बच गया है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे हमने प्रूफ क्या करना था, टेन थीटा प्लस सिक्स थीटा ये प्रूफ करना था। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया है तो राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूफ हो के आ गई है टेन थीटा प्लस सिक्स थीटा। लिहाजा हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है 1 ओवर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा, ये इज इक्वल टू किसके है, 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, इसका एक सॉल्यूशन निकालूंगा, फिर मैं राइट हैंड साइड लूंगा, उसका उसका सॉल्यूशन करके एक आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर आएगा बिल्कुल इक्वल ही आएंगे, देखते हैं जी कैसे। अब मैं इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास बेटा है, ये है जी 1 ओवर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा है। अब इस क्वेश्चन में ये वाला जो पोर्शन है ये इसका, इसे मैं रैशनलाइज करूंगा, कहते ये इसके बटे में कोस थीटा माइनस कोट थीटा ना, तो रैशनलाइज जब करूंगा तो इसे लिख दूंगा कोस थीटा प्लस कोट थीटा और कोस थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर cos थीटा माइनस cot थीटा आ गया, ठीक है। ये वाला जो ऐसे रैशनलाइज कर दिया और ये माइनस 1 ओवर sin थीटा एज इट इज भी आ गए। अच्छा बेटा ये cos थीटा प्लस cot थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये cos थीटा प्लस cot थीटा ही आ जाएंगे। अब ये cos थीटा प्लस cot थीटा इधर, ये cos थीटा माइनस cot थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर ऑफ थीटा और ये 1 ओवर sin थीटा एज इट इज ही आ गया। अब यहां से एक बार प्लस में एक बार माइनस में मैंने फार्मूला यूज किया है, कौन सा, ये जो कहेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है। एक बार प्लस में भी वैल्यू, एक बार प्लस में फंक्शन से, एक बार माइनस में दे तो इन दोनों का स्क्वेयर आ गया और दरम्यान में माइनस आ गया। अब ये cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस cot स्क्वायर ऑफ थीटा जो होता है, cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस cot स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के और ये 1 ओवर sin थीटा एज इट इज भी आ गई। अब मैंने ये लिखा है cos cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर ऑफ थीटा, ये 1 के इक्वल लिख दिया, कैसे 1 के इक्वल होता है ये अब मैं आपको बताता हूं। अब यहां से देखिए बेटा कि हमारे पास जो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है cosec स्क्वायर ऑफ थीटा के, तो ये 1 जो है इसी साइड पे रहा और ये cot स्क्वायर थीटा जो है दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया। ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है cos स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल होता है, ये जो cot 1 इधर ही रहा ये cot स्क्वायर थीटा इसकी दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए 1 तो होगा
आपको 6 स्क्वायर बीटा माइनस 4 स्क्वायर बीटा के इक्वल आ जाएगा। इसलिए इसको 6 स्क्वायर बीटा माइनस 4 स्क्वायर बीटा के जगह हमने 1 पुट कर दिया। अच्छा बेटा, ये इसके बटे में 1 है तो जिसके बटे में 1 होता है वो एलईडी ही हम लिख देते होते हैं वैल्यू को। ये आ गया कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा, और हमें पता है कि 1 ओवर साइन थीटा जो होता है ये कोसिक थीटा के इक्वल होता है। इसलिए ये 1 ओवर साइन थीटा की जगह पे हम कोसिक थीटा लिख सकते हैं। तो ये वाला कोसिक थीटा माइनस का ये प्लस वाले कोसिक थीटा के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास रिमेनिंग कॉट थीटा बचा है। ठीक है बेटा, अब हम ये राइट हैंड साइड लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया कॉट का। अब ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है 1 ओवर sin थीटा माइनस 1 ओवर cos थीटा प्लस cot थीटा। अब इस साइड को इसे हम रैशनलाइज करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड में किया। अब ये 1 ओवर sin थीटा तो ऐसे ही भी आ गए, जब इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई है cos थीटा माइनस cot थीटा ओवर cos थीटा माइनस cot थीटा ओवर cos थीटा माइनस cot थीटा आ जाएगी। ये राइट और राइट इस पोर्शन को हमने इस साइड पे आते राइट और राइट कर दिया है, और ये 1 ओवर sin थीटा एज इट इज आ गए। 1 जो है cos थीटा माइनस cot थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये cos थीटा माइनस cot थीटा ही आ जाएगा, और ये cos थीटा प्लस cot थीटा इनटू cos थीटा माइनस cot थीटा क्या इससे इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा के इक्वल बनता है। मैं अभी बता दिया हूं लेफ्ट हैंड साइड में इसके बारे में। अब ये 1 ओवर sin थीटा भी इधर पाए वाला और sin थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के, तो 1 ओवर sin थीटा की जगह हम cos थीटा लिख देंगे माइनस ये वाला जो है ये cos थीटा माइनस cot थीटा एज इट इज आ गए, और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसलिए इसकी जगह पे हम 1 कर देंगे, तो ये cos थीटा माइनस ये cos थीटा माइनस cot थीटा एलटी के आगे तो जिसके बटे 1 होता है तो एलटी लिख देते हैं कि माइनस अब इसके अंदर एक होगा तो सिंबल क्या करेगा चेंज कर देगा, जो माइनस का cot थीटा है ये प्लस का cot थीटा आएगा, और जो प्लस का cot थीटा है ये माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का कोटिक थीटा माइनस के कोटिक थीटा के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया है, प्लस का कॉट थीटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास कॉट थीटा आया था अंदर, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉट थीटा आया अंदर, राइट हैंड साइड में भी कॉट थीटा आया, तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो प्रूव दैट, ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 18 और 19। इंशाल्लाह ताला आपको के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस की 100% तौर पे समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म की कमी कोताही रह गई हो तो मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0307796964। बेटा जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगा बेल आइकन का बटन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बेटा अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कर दिया करें, आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। बेटा इंशाल्लाह ताला के साथ सुबह फिर न्यू लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।